Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad and it is my email ID and today I am going to discuss a topic which is very common and as well as very interesting and in direct relationship with all the discipline. It is a very general topic and one हम सबको इसके बारे में पता होना चाहिए इस बजाय इसके कि हम किसी भी डिसिप्लिन को बिलोंग करते हो. हम टीचर हैं, टीचर एजुकेटर हैं, हम गार्जियन हैं, हम पेरेंट्स हैं, हम मैनेजर हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं. सभी को पता होना चाहिए. टॉपिक बहुत ही इंटरेस्ट का विषय है और कई हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है और लेक्चर बाइलिंगुअल रहेगा हमेशा की तरह. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले सवाल यही बन जाएगा कि किसने ये विधा शुरू की, किसने सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात की. तो एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव, देखिए ये कोई एजुकेटर नहीं है, ये कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है जिन्होंने हमको ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में बताया. अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? मस्तिष्क उत्प्लवन के नाम से आपको हिंदी की किताबों में मिल जाएगा. मतलब एजुकेशन की वो बुक्स जो हिंदी में है उसमें वो इस नाम से मिलता है. और हम लोग बींग एन एजुकेटर इसके कैसे संपर्क में आए, हम जब क्रिएटिविटी पढ़ते हैं रचनात्मकता, तो जब उसकी हम वो पढ़ते हैं कि कैसे आप हाउ डू यू इनहेंस क्रिएटिविटी इन योर स्टूडेंट्स, आप कैसे अपने विद्यार्थियों को और रचनात्मक बना सकते हैं, तो वहाँ जरूर ब्रेनस्टॉर्मिंग का नाम आता है. बिना ब्रेनस्टॉर्मिंग का जिक्र किए क्रिएटिविटी के तरीके की बात नहीं की जा सकती है. तो एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव थे एलेक्स ऑसबॉर्न, उन्होंने डेवलप्ड द ओरिजिनल अप्रोच. मतलब हमेशा कोई अप्रोच आती है फिर बाद में उसमें बहुत 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 उत्तरोत्तर सुधार होते जाते हैं. तो उन्होंने मतलब जो ओरिजिनल अप्रोच है वो उन्हीं की बनाई हुई है. और उन्होंने कब इसको बताया, 1953 में वो किताब लिख रहे हैं क्या, अप्लाइड इमेजिनेशन, उसमें ये इसका जिक्र करते हैं. किसका? ब्रेनस्टॉर्मिंग का. कौन? एलेक्स ऑसबॉर्न. और ये एक सीईओ थे. और इसके पीछे ये भी बात है कि मतलब इनके कंपनी में जो इनके एम्प्लॉयज थे वो कुछ बढ़िया नहीं निकाल रहे थे, कुछ बढ़िया निकल के नहीं आ रही थी चीजें, कुछ सब बड़ा डल सा चल रहा था. तब इन्होंने ये कि अप्लाइड इमेजिनेशन, कैसे हमको और बढ़िया बढ़िया इमेजिन कर सकते हैं, इस तरीके से इसका उद्भव हुआ है. और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं इट इज ईजियर टू टोन डाउन अ वाइल्ड आइडिया देन टू थिंक अप अ न्यू वन. है ना, कि कितना भी वाइल्ड आइडिया हो आप उसको टोन डाउन कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन कोई नया थिंक अप अ न्यू वन ये ज्यादा मुश्किल है. बल्कि वाइल्ड आइडिया को टोन डाउन करना ये मुश्किल, ये आसान है कंपैरेटिवली. तो इस पर ये विधा बेस्ड है, देखते हैं क्या है. देखिए इन बुक 1953 में लिख रहे हैं, लेकिन बात उसके पहले 1938 में कर चुके हैं ये कि इन 1938 एलेक्स एफ ऑसबॉर्न, इनका पूरा नाम है, था, मतलब नाम है इनका, एंड एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव, ये एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव थे, इन्वेंटेड द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड आइडिएशन. इन्होंने सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात नहीं की बल्कि हमको ऑर्गेनाइज्ड आइडिएशन की भी बात बताई. जब आप फेजेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इसके दो फेज होते हैं. वैसे कई नामों से मिलता है ये, कहीं कहीं कहा जाता है कि दो फेज है आइडिएशन और इवेल्युएशन, कहीं कहा जाता है कि दो फेज है क्रिएटिव और क्रिटिकल फेज, कहीं और भी कुछ कहा जाता है, उसके नाम अलग है पर मूल रूप एक ही है. तो जो आइडिएशन जो फेज है उसमें क्या कहा जाता है कि जनरेशन ऑफ आइडिया. तो ऑर्गेनाइज्ड आइडिएशन की ये बात करते हैं वो उस कंपनी में जिसको ये हेड करते थे. द अर्ली पार्टिसिपेंट्स रेफर्ड टू देयर अटेम्प्ट्स एज ब्रेनस्टॉर्म सेशंस इन द सेंस दैट दे वर यूजिंग द ब्रेन टू स्टॉर्म अ प्रॉब्लम. मतलब क्या किया गया, जो पार्टिसिपेंट है उनके सामने कोई प्रॉब्लम रखी गई और उनसे कहा गया कि अपने मस्तिष्क में जैसे मतलब तूफान ला दीजिए और निकालिए विचारों को. ओके, द टर्म ब्रेनस्टॉर्मिंग हैज नाउ बिकम द एक्सेप्टेड वे ऑफ रेफरिंग टू ग्रुप अटेम्प्ट्स टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और डेवलप न्यू आइडियाज बाय अमेजिंग स्पॉन्टेनियस अनरिस्ट्रेन्ड कंट्रीब्यूशंस बाय मेंबर्स. मतलब उनको स्पॉन्टेनियस रिस्पांस करना है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, अनरिस्ट्रेन्ड यानी कि आप उस पर कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे कि नहीं नहीं ये आइडिया अच्छा नहीं ये आइडिया खराब है. अभी हम इसको क्रिएटिविटी के संदर्भ में भी बात करेंगे, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि ऑसबॉर्न ने कैसे इसको शुरू किया. द की टू द सक्सेस ऑफ द प्रोसेस इज दैट नो इवेल्युएशन और जजमेंट इज मेड ऑफ द आइडियाज एज दे आर बीइंग जनरेटेड. मतलब इसकी सफलता का मूलभूत मंत्र ये है इस प्रक्रिया की कि हम कोई इवेल्युएशन नहीं करेंगे जैसे ही कोई बोलेगा नहीं नहीं ये आइडिया ठीक नहीं ये तो बेकार है.
आपको कोई जजमेंट नहीं करना है, कोई इवेल्युएशन नहीं करना है, आइडिया को जनरेट होते दे रहने देना है। इसका रूल ही यही है कि जितने ज्यादा आइडिया निकल सके, तो आप अगर कंडेम करेंगे तो आइडिया निकलने की प्रोसेस कम हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस क्रिएटिविटी इज नॉट स्टिफल्ड, इट इज इंक्रीज। देखिए आ गया क्रिएटिविटी से इसका कनेक्शन, कैसे क्रिएटिविटी से ये जुड़ता है। हम जानते हैं कि क्रिएटिविटी का क्या मतलब है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि एक प्रॉब्लम के आप कितने नॉवेल सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो ये क्रिएटिविटी से इस तरह जुड़ता है कि हम क्लासरूम में क्या करेंगे कि बच्चे के सामने, स्टूडेंट्स के सामने हमको कोई प्रॉब्लम देनी है और हमको उनसे कहना है कि आपको इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन बताने हैं, और हम आपको रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, आपको जो आपके दिमाग में आ रहा है जितना ज्यादा आप सोच सकते हैं सोचिए और आइडियाज निकालिए। बाद में हम उसको छांटेंगे, काटेंगे, उसको अपने प्रॉब्लम के पर्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ लाएंगे, लेकिन उस वक्त नहीं जब आइडिया का जनरेशन हो रहा है। यानी कि आइडिएशन फेज में हम कुछ भी मना नहीं करेंगे, कहीं कोई आप पर रोक टोक नहीं लगाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू जनरेट एज मेनी आइडियाज रिलेटेड टू स्पेसिफिक टॉपिक और क्वेश्चन एज पॉसिबल। तो उससे क्या होगा कि और बाद में ये भी बात निकल के आएगी कि एक दूसरे के आइडिया को आप अपना सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी बट जनरली हम लोग क्लासरूम में क्या कहते हैं कि बच्चे से अगर सवाल पूछा तो वो कुछ आंसर करता है, तुम कहते हैं नहीं नहीं ये उसने बता दिया है, तुम कुछ अलग बताओ या उसी को रिपीट नहीं करो। हम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमको उनको इस तरीके का एटमॉस्फेयर अगर हम क्लास में प्रोवाइड करें तो हम निश्चित रूप से क्रिएटिविटी को इनहेंस कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स में। इस तरीके से ये ब्रेनस्टॉर्मिंग जाके क्रिएटिविटी का मेथड बन जाती है कि हाउ डू वी इनकलकेट, हाउ डू वी इनहेंस क्रिएटिविटी इन अवर स्टूडेंट्स। ओके, देन देखने से ऐसा लग रहा है ना कि बड़ा हैफजर्ड सा है कि क्या मतलब कोई प्रॉब्लम दी गई और बस आपको बोलते जाना है, मतलब हम आप पे कहीं रोक टोक नहीं लगाएंगे। नहीं, रोक टोक है, कुछ रूल्स हैं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि बस क्लास मतलब कोई इसके पीछे पैमाना नहीं, पैमाना है। पहली बात हमको क्या करना है, जजमेंट नहीं देना है जब आप बोल रहे हो। तो जब आप आइडियाज जनरेट करने की प्रोसेस में हैं तो हम मतलब कि जो भी होल्ड कर रहा है मीटिंग को, वो टीचर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, वो जजमेंट नहीं देगा। इनकरेज वाइल्ड आइडियाज, जितना ज्यादा आप वाइल्डली सोच सकते हैं उतना ज्यादा हमको आपको प्रोत्साहन करना है कि वाओ ये बहुत बढ़िया, यानी कि हमको पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट देना है तब। फिर बिल्ड ऑन द आइडियाज ऑफ अदर्स, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हम दूसरे के विचारों पर अपना विचार निर्धारित कर सकते हैं, उस पर उसका निर्माण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर स्टे फोकस्ड ऑन द टॉपिक, लेकिन हमको टॉपिक पे ही फोकस रहना है। बात मान लीजिए हम कर रहे हैं, मान लीजिए हम यही बात कर रहे हैं क्लासरूम में, इसी पे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करना चाहते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग मतलब एकदम रेलेवेंट है, अप टू डेट है, इस वक्त का टॉपिक है कि ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग कितनी प्रभावकारी है छात्रों के लिए। तो आपको ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग पे ही बात करनी है। अब आप भटक के कहीं और चले जाएंगे तो फिर वो उसका कोई मजा नहीं रह जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थपूर्ण हमको आइडिया नहीं निकलेंगे। हमको टॉपिक पे ही स्टिक रखना है, इसके लिए हमको एक फैसिलिटेटर रखना पड़ता है कि बात करते करते अक्सर हम विषय से भटक जाते हैं ना, ताकि हम विषय पर ही रहें। फिर वन कन्वर्सेशन एट अ टाइम, यानी कि एक व्यक्ति एक बार में बोलेगा, बहुत सारे लोग सब एक साथ में बोलने लगेंगे तो फिर नहीं निकल के आएगी बात। और इसके पीछे ये भी रूल है कि कितने लोग मैक्सिमम रह सकते हैं, ऐसा नहीं है 50 लोगों का ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ही होगा, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी, 2-4 लोग कम होंगे, यानी कि 15 से 20 लोग अगर रहें तो ये ऑप्टिमम साइज हो सकता है उस ग्रुप का जिसमें जहां पर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करने जा रहे हैं। फिर बी विजुअल, अगर आप इसकी इमेजेस सर्च करेंगे या आपको बुक्स में मिलता हो तो दिखा अक्सर ऐसा दिखा जाता है कि ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर हम लिखते जा रहे हैं, या हमने स्टिकी नोट्स पे उसको चिपका दिया लिख लिख के। इससे क्या होगा कि हमको दिखता रहेगा कि किसने क्या 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 बताया है सॉल्यूशन, क्या क्या आइडियाज बताए हैं, तो हम इससे भी फोकस्ड रहते हैं, तो विजुअल रहता है तो वो बढ़िया रहता है। एंड गो फॉर क्वांटिटी, हमको मात्रा पर जाना है यहाँ पे। देखिए अक्सर हम लोग जनरली हमेशा ही पढ़ाई लिखाई में ऐसी चीज पढ़ते हैं कि क्वालिटी पे जाना है, क्वांटिटी पे नहीं, लेकिन ये शायद पहली चीज हमको ऐसी मिल रही है जहाँ पे हमको कहा जा रहा है क्वांटिटी पे जाइए, जितना ज्यादा आइडिया निकल कर आएगा उतना हमको उसमें से काटने छाटने में और अपने काम का आइडिया निकालने में उतनी आसानी होगी। अगर कुछ ही निकलेंगे तो फिर आप उसमें क्या रखेंगे, क्या छोड़ेंगे, ये कोई बात नहीं निकल कर आएगी ना। तो हमको कहना है कि आप सोचिए जितना ज्यादा आप सोच सकते हैं, तो हम डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देंगे, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देंगे अपने स्टूडेंट्स में। क्यों, क्योंकि हम लोग टीचर्स हैं तो हम सिर्फ स्टूडेंट टीचर की बात कर रहे हैं, वरना किसी भी संदर्भ में ये यूज हो सकता है।
देन फेजेस, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप ढूंढेंगे किताबों में आपको मिलेगा, तो कभी कभी मिलता है कि दो फेज होते हैं इसके, एक आइडिएशन एक इवेल्युएशन। तो आइडिएशन में आइडिया जनरेट होता है और इवेल्युएशन में हम इवेल्युएट करते हैं कि कितना क्या सही है क्या गलत है। कहीं कहीं हमको मिलता है कि क्रिएटिव और क्रिटिकल फेज। तो क्रिएटिव में हमको क्रिएट करना है आइडिया को, क्रिटिकल फेज में हमको ये तय करना है कि कौन सा आइडिया आप पिक करना है कौन सा छोड़ देना है। उसी तरह से ये भी फेजेस हो सकती है क्या, प्रिपरेशन, फैसिलिटेशन एंड फॉलो थ्रू। यानी कि प्रिपेयर में सबसे पहले हमको पता हो, नो योर गोल्स, जो पार्टिसिपेंट है उसको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या, और जो मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि वो मीटिंग से चाहता क्या है, और डिसाइड हुम टू इनवाइट, हमको किसको किसको इनविटेशन देना है उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। डाइवर्सिटी इज फंडामेंटल टू सक्सेसफुल ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये नहीं हमको करना है कि एक जैसे लोगों को, एक लाइक माइंडेड पीपल को हमने लेकर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करा दी। जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतने ज्यादा आइडियाज निकल कर आएंगे। देन क्या करना है, हमने प्रिपेयर कर लिया कि ये सारी हमारी तैयारी है, फिर हमको फैसिलिटेट करना है अपनी मीटिंग को। क्या करना है हमको कि डेजिग्नेट अ फैसिलिटेटर, हमको एक फैसिलिटेटर डेजिग्नेट करना है जो क्या करेगा, इनकरेज पार्टिसिपेशन, है ना। ये शुरुआत में तो नहीं आइडिया निकलने लगेंगे, हमको थोड़ा सा उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, थोड़ा उनको इनकरेज करना पड़ेगा कि वो पार्टिसिपेट करें। एक्ट एज अ टाइम कीपर। अच्छा, टाइम भी हमको लिमिट रखना है कि आपको कितना बोलना है, आधा घंटा नहीं बोलना है, 30 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप 5 से 10 मिनट बोलिए, और जो भी है वो टाइम सबके लिए सुनिश्चित है। और अगर किसी के पास ज्यादा आइडियाज हैं तो वो ज्यादा भी बोल सकता है। एंड प्ले डेविल्स एडवोकेट व्हेन नीडेड, और जहां जब जिसको चेक करना हो उसको चेक भी करें। कीप ट्रैक ऑफ योर आइडियाज ऑन अ व्हाइट बोर्ड। अब जैसे पार्टिसिपेंट बोल रहा है तो फैसिलिटेटर उसको राइट डाउन कर सकता है, और विद स्टिकी नोट्स ऑन ए वॉल। दिस विल हैव वन सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, विजुअल प्रूफ ऑफ योर प्रोग्रेस विल हेल्प कीप द टीम मोटिवेटेड। यही अभी जो पिछली बात हो रही थी। तो प्रिपेयर हो गया हमारा, प्रिपरेशन हो गई, हमने फैसिलिटेट कर लिया मीटिंग को। अब क्या होगा, फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू में क्या होगा कि आफ्टर द सेशन प्रायोरिटाइज एंड शेयर द मोस्ट वायबल आइडियाज, सेपरेटिंग देम इनटू दोज मोर इजीली इंप्लीमेंटेड, दोज दैट वुड टेक मोर वर्क एंड दोज टेबल फॉर फर्दर डिस्कशन। तो हम क्या करेंगे, जब हमने पूरा आइडियाज हमारे निकल आया, हमारा विजुअल प्रूफ है, सब नोट डाउन है हमारा, तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कौन सा आइडिया जो था वो हमारी प्रॉब्लम का मोस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, कौन सा आइडिया ऐसा है जिसको हमको और रिफाइन करने की जरूरत है, कौन सा आइडिया ऐसा है जिसको हम तत्काल रूप से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी हम कैटेगरीज अपनी मीटिंग के बाद बना लेंगे। देन बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट्स है, क्या बेनिफिट्स हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के? यस, बहुत सारे हैं। जैसे ये क्या करती है, ब्रेक द मोनोटोनस वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड गिव्स अ न्यू पर्सपेक्टिव टू द सॉल्यूशन। यानी कि हम यहाँ पे भी हम समस्या समाधान ही कर रहे हैं, लेकिन हम उस मोनोटोनस वे में नहीं कर रहे हैं कि हाँ एक ही तरीके से हमको सर्च आउट करना है, हम कुछ नया कर रहे हैं। हम आपको निगेटिव रीइन्फोर्समेंट नहीं दे रहे हैं, हम आपको पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट दे रहे हैं ताकि आपके मन में जो भी आ रहा है आप उसको बोलिए। सही गलत सोचना नहीं है, सिर्फ विचारों को उत्पन्न करना है। तो हमको जो प्रॉब्लम का एकदम वाइल्ड, एकदम नॉवल सोल्यूशन मिल सकता है। देन इनोवेशन तो है ही, तभी तो ये क्रिएटिविटी के तरीके में इतने शामिल किया गया है कि हमको इस तरीके से एक दूसरे के आइडिया से एसोसिएट करते हुए कुछ एकदम नई चीज निकल कर आ जाती है। देन डिस्कवरिंग डाइवर्स सॉल्यूशंस, जब सभी लोगों को इतने सारे आइडिया जनरेट होंगे तो निश्चित रूप से हमको कुछ ऐसा मिलेगा जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, है ना। फिर इनकरेजेस क्रिएटिविटी, हमारी रचनात्मकता को इससे प्रोत्साहन मिलता है। इक्वलाइजेस इन्वॉल्वमेंट बाय ऑल टीम मेंबर्स, है ना। यहाँ पर ये नहीं है कि अब सबको बोलना है, ऐसा नहीं है कि कुछ शाई मेंबर है वो नहीं भी बोलेंगे तो काम चलेगा। आप पार्टिसिपेंट हैं तो आपको आपको अपना विचार बताना ही है। फोस्टर्स अ सेंस ऑफ ओनरशिप, मतलब कि जैसे हम सभी लोग बोल रहे हैं और सबने नोट डाउन किया, फिर उसमें से जॉट डाउन किया गया, तो क्या होता है कि जब लास्ट में जो कंसेंसस निकल कर आता है उसमें हमको लगता है ना कि हम इस टीम का हिस्सा थे, हम पार्टिसिपेंट थे और ये चीज निकल कर आई, तो हमको एक ओनरशिप की फीलिंग आती है। देन इनकरेजेस सेल्फ लर्निंग एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग, हम खुद भी सीख रहे हैं, दूसरों के विचारों से सीख रहे हैं, जब दूसरा कुछ बोलता है तो हमें लगता है अरे हाँ ये भी तो इसका सोल्यूशन हो सकता है। देन हेल्प्स फोस्टर स्ट्रॉन्ग टीम्स, हम जब ब्रेन स्ट्रॉमिंग सेशन, अगर मान लीजिए कई ब्रेन स्ट्रॉमिंग सेशन में हम किसी के साथ हैं या वही टीम बार बार काम कर रही है, तो वो बढ़िया टीम बन जाती है। टीम पार्टिसिपेशन, कोलेबोरेशन, इस तरीके की भावना का भी हमारे अंदर विकास होता है। देन हेल्प्स जनरेट न्यू आइडियाज क्विकली, है ना, एकदम तुरंत तुरंत, ऐसे अचानक से आप अकेले बैठकर सोचेंगे तो आपको नहीं मिलेगा विचार, लेकिन कई लोग जब सोच रहे हैं तो हमको जल्दी जल्दी विचार मिलते हैं। अलाउज टीम्स टू रीच कंक्लूजंस बाय कंसेंसस, यही बात हो रही थी ना कि हम लास्ट में कंसेंसस पे निकलते हैं कि हाँ ये इस प्रॉब्लम का सबसे बढ़िया सोल्यूशन है।
इनकरेजेस ओपन एंड ऑनगोइंग कोलेबोरेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम. हमारा ओपन डिस्कशन चल रहा है, हम सब एकदम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट चल रहा है, मतलब माहौल एकदम बढ़िया है. तो कोलेबोरेशन बढ़िया चल रहा है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. एंड अलाउज पीपल टू थिंक मोर फ्रीली विदाउट फियर ऑफ जजमेंट. हम अक्सर क्लासरूम में बच्चा क्यों नहीं बोलता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसका आंसर गलत होगा तो उसकी खिल्ली उड़ाई जा सकती है, उसको डांट पड़ सकती है, उसको कोई सजा मिल सकती है. लेकिन अगर हम कहें इस तरीके का माहौल क्लास में दें, अपने कक्षाओं में दें कि नहीं, आपके मन में जो भी आपको सही गलत आ रहा है बोलिए, सिर्फ बोलिए, तो शायद बेहतर क्लासरूम इंटरेक्शन टीचर स्टूडेंट के बीच में हो सकता है. ओके, देन रिस्क भी इन्वॉल्व है इसमें, है ना. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिर्फ अच्छाई नहीं हो सकती. क्या हो सकता है कि इंट्रोवर्ट्स में स्टे क्वाइट. आपने कहा है कि सबको बोलना है, लेकिन तब भी वो जो इंट्रोवर्ट है वो कुछ ही बोलेंगे, या वो मतलब इनहिबिशन शो करेंगे, नहीं हिस्सा लेंगे. नहीं, ये बिल्कुल भी संभव है, ये बिल्कुल संभव है कि हर व्यक्ति उतना ही अपना 100% ना दे. वाइल एक्सट्रोवर्ट्स डोमिनेट, है ना, वो ज्यादा बोलेंगे, बार बार बोलेंगे. Whoever's leading the session must police the team to ensure a healthy, solution-focused atmosphere wherever the shyest participants will speak up. तो जो भी facilitator है उसको ये ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि कुछ लोग dominate कर जाएं meeting को, कुछ लोग बिल्कुल नहीं बोले, सबको बोलना है. तो ये एक risk involved है कि ऐसा हो सकता है कि introverts may stay quiet. और another risk is to let the team stray off topic and or address, है ना. ये हो सकता है कि facilitator अगर इतना dominating नहीं है तो जो team है वो बिल्कुल भटक जाए अपने पथ से, अपने फोकस से, अपने लक्ष्य से. अगर इस तरह का होगा तो अंत में आपको कुछ भी फ्रूटफुल नहीं मिलेगा. इट विल बी वाइटल दैट पार्टिसिपेंट स्टिक टू द प्रॉब्लम रेलेवेंट टू दैट पार्ट. व्हाट ऑसबॉर्न कॉल द पॉइंट ऑफ व्यू. जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है उससे हमको स्टिक करके ही चलना है. अगर स्टिक करके नहीं चलेंगे तो पूरे सेशन का कोई अर्थ नहीं निकलेगा. कंक्लूजन, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग पे. One of the reasons why brainstorming works is that ideas generate further ideas through the power of association. है ना, group है, team है, तो हमारे idea से आपका idea निकल के आ रहा है, आपके idea से किसी और का और उसके idea से किसी और का. तो ये जो association की power है ये बहुत सारे ideas के generation में help करती है. A process that has been called hitchhiking or piggybacking. ये किसने नाम दिया, ये सब ऑसबॉर्न का दिए हुए नाम है. Also the technique of free association is more powerful when one is working in a group than when than when one is working alone. अगर single brainstorming session भी हो सकता है कि एक participant एक ही व्यक्ति है, लेकिन वो उतना फायदेमंद नहीं होता है जितना कि आपकी group brainstorming. क्यों? क्योंकि यहाँ पे free association की हमको संभावना मिल जाती है. Then reinforcement is another factor that leads to increased creativity. In the idea generation phase of brainstorming, all suggestions are rewarded by being received and listed as positive reinforcement. मतलब कितना अच्छा लगेगा, कितना ये वी फीलिंग आएगी, एकदम सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस आएगा कि आपने कुछ बताया और आपके आइडिया को नोट कर दिया गया, है ना. किसी भी आइडिया को दरकिनार नहीं किया जा रहा है, किसी भी आइडिया को ये नहीं कहा जा रहा है कि नहीं ये खराब है. हर कोई जो बोल रहा है वो नोट डाउन हो रहा है, जॉट डाउन हो रहा है, लिस्टेड हो रहा है. तो ये एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जांपल है. नथिंग इज क्रिटिसाइज, देयर इज नो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इन द आइडिएशन फेज ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग. ओके, सो आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, देखिए जब भी हम क्रिएटिविटी का चैप्टर पढ़ते पढ़ाते हैं तो हम बस उसको ऐसे पढ़ जाते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो क्रिएटिविटी बढ़ाने के काम आता है और बहुत बढ़िया तकनीक है, प्रवृत्ति है. इससे ज़्यादा मैटर हमको इस पर नहीं मिलता. अगर आपको इस पर शॉर्ट नोट्स लिखना हो या आपको इसके मतलब इस पर जो आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए आपको थोड़ा कंसेप्चुअल बैकग्राउंड होना चाहिए, तभी आप उसके सही उत्तर दे सकेंगे. तो आई थिंक दिस लेक्चर विल बी फ्रूटफुल फॉर बोथ द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग. Okay, so thank you all, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education, done from my side.